आज की जो प्रॉपर्टी हम आपको दिखाने वाले हैं वो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये आज की जो प्रॉपर्टी है वो है इंडिपेंडेंट विला, और वो भी है 5 BHK विला और 250 गज के अंदर बना हुआ। और इतना ही नहीं, बिल्कुल रोड के सामने आपको दे देंगे, और रोड भी कौन सा, एयरपोर्ट रोड। एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल पास में बहुत अच्छी लोकेशन पे बहुत ही स्पेशियस लग्जरी शानदार जो विला आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो आपका जल्दी जल्दी स्वागत करते हैं हमारे चैनल विश्वकर्मा रियल स्टेट में, और जल्दी जल्दी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो प्रॉपर्टी है इस विला की, आप फ्रंट एलिवेशन चेक कीजिए। फ्रंट एलिवेशन में आपको देखने को मिलेगा ग्लास वर्क है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, वुडन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मॉडर्न डिजाइन है बाहर से ही, और अंदर से भी हर चीज आपको मॉडर्न एंड लग्जरी मिलेगी। और जैसे मैंने रोड की बात की थी तो आप देख सकते हो बिल्कुल सामने मेरे जो रोड है ये एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल पास में जो रोड कनेक्टिविटी है बहुत ही ज्यादा अच्छी लोकेशन है, मार्केट पास में है, हर चीज यहाँ पे लोकेशन वाइज बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आपको जो मिलने वाला है। और इसकी लोकेशन एंड पे हम करते हैं थोड़ी सी और डिस्कस कर दूंगी। तो इसका जो घर के सामने जो आपको रोड मिलने वाला है वो भी आपको वाइड रोड मिलने वाला है, आप देख सकते हो वाइड रोड है, पार्किंग की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। सबसे पहले इसका बर्म एरिया देख सकते हो, बर्म एरिया बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, जहां से आपकी गाड़ी आराम से घर के अंदर जा सकती है, बड़ी से बड़ी गाड़ी, और जहां से जहां पे स्टेप्स बने हुए हैं जहां पर बैर रख के आप आराम से अपने घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। और जहां से आप देख सकते हो इस तरफ बर्म एरिया में आपको बहुत ही अच्छा मार्बल जो है लगा के दिया जा रहा है। तो इसका गेट देखिए, इसके जो एंट्री के लिए गेट है इसका भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी बड़े साइज में आपको वाइड गेट मिलने वाला है। तो ये गेट में भी आपको वुडन वर्क मिलने वाला है। तो हम इस घर के एंट्री करते हैं विला के अंदर, तो आप देख सकते हो आपकी बड़ी से बड़ी गाड़ी यहाँ पर पार्क हो सकती है। गाड़ी पार्क करने के बाद भी आपको काफी स्पेस मिल जाएगा, आपके 2 व्हीलर्स भी पार्क हो सकते हैं। तो इधर यहाँ पे इस तरफ आते हैं तो इस तरफ आपके देख सकते हो वेट एरिया या वॉशिंग एरिया आप बना सकते हो, अपने व्हीकल्स को वॉश करने के लिए भी आपको स्पेस मिल जाएगी। और यहाँ पर आप ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हो, यहाँ पर आप पार्क बनाकर यहाँ पर भी सिटिंग एरिया भी अरेंज कर सकते हो, मतलब काफी अच्छी आपको यहाँ पर चीजें मिलने वाली है। तो इसकी जो एंट्री में यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल है, जो एंट्री के साइड में यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है बहुत ही अच्छा। ऊपर जो फॉल सीलिंग डिजाइन आपको मिलने वाला है वो भी उसमें वुडन एंड लाइटिंग मिलने वाली है। इस साइड आपको बहुत ही बड़ी सी विंडो मिलती है, ग्लास विंडो है, इसका मैश विंडो भी दी जा रही है, तो बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से देख सकते हो एंट्री के लिए आपको मैश डोर मिलने वाला है, डुअल डोर मिलने वाला है। सबसे पहले मैश डोर है, आप देख सकते हो हैंडल ही बहुत ज्यादा प्यारा है, मैश डोर है और स्ट्रांग डोर है, हैवी डोर है। तो हम एंट्री करते हैं, मैश डोर खोलते हैं, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो हाइटेड है, स्ट्रांग है, वुडन डोर मिलता है, डुअल डोर है, और जो डोर भी काफी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, स्ट्रांग डोर है। तो जहां से हम एंटर होते हैं तो इस साइड आप देख सकते हो इस वॉल में आप डेकोरेशन देख सकते हो बहुत ही अच्छा, और ऊपर आपको प्रोफाइल लाइट्स एंड कोब लाइट्स मिलती हैं, बहुत ही ज्यादा इसको लग्जरी एंड मॉडर्न लुक देते हैं। तो यहाँ से हम एंटर होते हैं तो इस तरफ आ जाता है ड्राइंग एरिया, और जैसे कि ये 250 गज के अंदर बना हुआ विला है तो आपको यहाँ पर हर चीज स्पेशियस मिलने वाली है। तो सबसे पहले ड्राइंग एरिया है, आप देख सकते हो कितना स्पेशियस है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि काफी स्पेशियस आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर इसकी जो फॉल सीलिंग डिजाइन है अगेन मॉडर्न डिजाइन है, प्रोफाइल लाइट्स कोब लाइट लाइटिंग बहुत ही अच्छी मॉडर्न शैंडियर आपको दे रहे हैं यहाँ पर। और इसकी जो ये वाली वॉल है इस पर वॉलपेपर तो आपको लगा के दिया जा रहा है काफी रॉयल गोल्डन कलर में, इसके साथ जो जो वॉल पे वुडन स्ट्रिप्स बना के दी जा रही है जो ड्रीक डिजाइन, इसके ऊपर वॉल लैंप्स भी लगा के दिए जा रहे हैं। जैसे ड्राइंग एरिया में यहाँ पर सनलाइट के लिए बाहर से मैंने विंडो दिखाई थी, यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हो, विंडो आपको दी जा रही है, और इस साइड भी आपको वॉलपेपर ही मिलने वाला है। और इस साइड डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया को सेपरेशन करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली आपको सेपरेशन मिलती है वुडन वर्क के साथ। तो हम यहाँ से मूव करते हैं, ड्राइंग एरिया के बाहर आते हैं तो उस साइड डाइनिंग एरिया है, पर इस साइड आपको यहाँ पर बेडरूम मिलता है। तो हम ये भी आपको दिखा दें, इससे न्यू बना है तो थोड़ा थोड़ा पैसा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो आप देख सकते हो ये जो रूम है काफी स्पेशियस है, जो सबसे पहला बेडरूम है आप देख सकते हो, यहाँ से आपको जो है ग्लास दिया जा रहा है, यहाँ से भी आप बाहर की जो है एग्जिट एंड एंट्री कर सकते हैं इस रूम से भी, और बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। और यहाँ पे इस वॉल पे आप देख सकते हो आपको बहुत ही अच्छा काम देखने को मिलेगा,
यहाँ पर वॉलपेपर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा के दिया जा रहा है बेड के डिजाइन के साथ। और इस साइड आपको जो है टीवी पैनल देखिए बहुत ही ज्यादा ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बना के दिया जा रहा है। सब चीज आपको मॉडर्न एंड लग्जरी और शानदार मिलने वाली है इस विला के अंदर। तो ये आ गया मेन जो हमारा ड्रेसिंग एरिया होता है, आप देख सकते हो वार्डरोब एरिया ड्रेसिंग एरिया में आपको यहाँ पर मिरर प्रॉपर लगा के दिया जा रहा है। ड्रेसिंग टेबल फैसिलिटी आपको पूरी दी जा रही है और यहाँ पर वार्डरोब एरिया शुरू हो जाता है। और देखो स्लाइडिंग डोर के साथ आपको वार्डरोब दिया जाएगा और ऊपर आप देख सकते हो लाइटिंग देख सकते हो बहुत ही ज्यादा प्यारी की गई है। तो यहाँ पर आ जाता है अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम आप देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारा है। यहाँ पर आपको मार्बल जो है टाइल्स है बहुत ही ज्यादा प्यारे कलर में यहाँ पर दी जा रही है। और जो ड्राइंग एरिया है वहां से ये है जो है इंटरकनेक्टर जो है शेयरिंग कॉमन वॉशरूम होगा ये। तो इस रूम की भी आप फॉल सीलिंग डिजाइन देख सकते हो, इसमें भी मॉडर्न जो डिजाइन है वो फाइल लाइट्स कोब लाइट्स दोनों का इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लुक बनाई गई है। तो हम यहाँ से बाहर चलते हैं तो इस साइड आ जाते हैं डाइनिंग एरिया में फैमिली लॉन्ज एरिया में। तो यहाँ पर सबसे पहले शैंडलियर देखिए बहुत ही प्यारा लगा हुआ है, इसमें लाइटिंग बहुत ही ज्यादा प्यारी की गई है, फॉल सीलिंग डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो जैसे कि मैंने जो रूम के अंदर वॉशरूम दिखाया था उसकी कनेक्टिविटी जो है जो कॉमन वॉशरूम है यहाँ से होती है, आप देख सकते हो इसका जो बाहर से वुडन कॉन्सेप्ट में बनाया गया है बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको एक मिरर वर्क दिया जा रहा है, यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा प्यारा स्टोरेज के लिए भी आपको बना के दिया जा रहा है। तो जो मेन डाइनिंग एरिया आ जाता है यहाँ पर भी आपको सेम वैसा ही स्टोरेज दिया जा रहा है, कबर्ड दिया जा रहा है बना के। और यहाँ पर आपको डबल हाइटेड शैंडलियर आपको ऊपर से देखने को मिलेगा डाइनिंग एरिया के अंदर। तो यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट टेबल बना के दिया जा रहा है, यहाँ पर भी आप सिटिंग लगा के इसको ब्रेकफास्ट काउंटर भी बना सकते हैं। तो यहाँ से किचन की एंट्री करते हैं, किचन में एंट्री हो जाता है आप देख सकते हो किचन भी बहुत ज्यादा स्पेशियस है। ओपन किचन कॉन्सेप्ट के साथ साथ किचन स्पेशियस भी है, बहुत ज्यादा मॉडर्न फिटिंग है, कैबिनेट्स बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉफ्ट क्लोजर है, डुअल सिंक है, किचन के अंदर आपको विंडो दी जा रही है प्रॉपर। और इसमें किचन में भी आप लाइटिंग देख सकते हो बहुत प्यारी की गई है और किचन से बैकयार्ड की एक्सेस भी आपको दी जा रही है। तो किचन बहुत ज्यादा स्पेशियस है, ओपन है, मॉडर्न है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। इस घर में इस विला के अंदर आपको हर चीज शानदार मिलने वाली है। तो हम इस फ्लोर के सेकंड बेडरूम के अंदर आ गए हैं तो देख सकते हो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो ये रूम भी बहुत स्पेशियस है, मैंने पहले बताया था कि 250 गज के अंदर विला बना हुआ है तो हर चीज स्पेशियस होने वाली है। तो सबसे पहले इसके फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एंड यूनिक डिजाइन है, क्लासिक सा डिजाइन मिल रहा है हर चीज में। तो इसका जो बेड एरिया का जो वॉल है आप देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारा बना के दिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर स्ट्रिप्स बना के दी जा रही है बहुत अच्छी। और इस साइड आपको टीवी पैनल मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ग्रे वॉलपेपर के साथ इसके कॉम्बिनेशन का टीवी पैनल भी वैसे ही डिजाइन में आपको दिया जा रहा है, बड़े साइज का टीवी पैनल है। तो हम यहाँ से आ जाते हैं वार्डरोब एरिया एंड अटैच वॉशरूम की तरफ आते हैं। तो इस तरफ आइए तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक आपको वार्डरोब एरिया मिल रहा है, मतलब आपकी जो चीजें स्टोर करनी है, कपड़े स्टोर करने हैं, ऊपर तक कैबिनेट्स बना के दिया जा रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हर चीज यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया भी आपको मिल रहा है और अटैच वॉशरूम आपको बहुत ही स्पेशियस मिलने वाला है, यहाँ पर आपको प्रीमियम क्वालिटी की फिटिंग करके दी जाएगी। अटैच वॉशरूम वार्डरोब एरिया बहुत ही ज्यादा प्यारा। तो जहां से बैकयार्ड की एंट्री होती है यहाँ पर आपको डुअल डोर मिलता है, वुडन डोर मैच डोर दोनों मिलते हैं। और जहाँ पर हम बैकयार्ड में आ गए हैं एंटर हो गए हैं तो आप देखिए बैकयार्ड भी काफी स्पेशियस है, यहाँ पर भी वॉल बहुत ही अच्छी बना के दी जा रही है। और इसमें आप वेट एरिया बना सकते हो, आपको प्लग्स जो है प्रॉपर दिए जा रहे हैं, टैब्स आपको दी जाएंगी, काफी स्पेशियस आप देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज के लिए फैसिलिटी दी जा रही है और सिक्योरिटी है, आप देख सकते हो वॉल्स जो है ऊपर तक बनी हुई है, उसके ऊपर आपको रेलिंग भी बना के दी जा रही है। तो ये इस फ्लोर पे दोनों बेडरूम हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पर हम स्टेयर्स की तरफ चलते हैं, स्टेयर्स देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छे ब्लैक कलर में बनाई गई है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का काम है। यहाँ पर स्टेयर्स चढ़ते हैं तो साथ में आपको लाइटिंग भी दी जा रही है, साथ साथ में स्टेप्स के साथ लाइटिंग है। तो हम ऊपर के फ्लोर पे चलते हैं, वहां पे हमें देखने को क्या मिलने वाला है। तो हम आ गए हैं ऊपर के फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही प्यारा आपको डेकोरेशन के लिए वॉल दिया जा रहा है सबसे पहले, और यहाँ पर आपको काफी स्पेस दी जा रही है जहाँ पर भी आप लॉन्ज एरिया बना सकते हैं, सिटिंग एरिया बना सकते हैं। और इसकी फॉल सीलिंग की डिजाइन देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा
कॉन्सेप्ट है, लाइटिंग ऐड की गई है, वुडन पैटर्न आपको दिया जा रहा है और यहाँ पर जो डबल हाइटर जो है चैंडलर जो उसके साथ दिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। वॉल पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा डिजाइन भी है और ये इस विला को बहुत ही ज्यादा लग्जरी बना देता है। तो हम यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको पूजा रूम, आपको जो फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है, प्रेयर रूम, पूजा रूम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो हम यहाँ इस तरफ आ जाते हैं। ये रूम आप देख सकते हो काफी स्पेशियस है, यहाँ पर आपको वॉलपेपर भी दिया जा रहा है, फॉल सीलिंग आपको दी जा रही है, फॉल सीलिंग के साथ यहाँ पर आपको विंडो दी जा रही है काफी बड़े साइज की। सनलाइट एंड वेंटिलेशन की आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं रहने वाली। ये बहुत ही अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जा रहा है कि पूरे घर में सनलाइट बहुत अच्छी आती है। तो हम यहाँ पर मूव करते हैं, यहाँ पर आप अपना रीडिंग रूम बना सकते हो, इस स्पेस को भी आप जैसे मर्जी यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ आ जाते हैं हम बेडरूम की तरफ। अब बेडरूम देखिए काफी स्पेशियस है और यहाँ पर बेड एरिया में आपको वॉलपेपर दिया जा रहा है, वॉलपेपर के साथ साथ इसके बिल्कुल सामने आपको टीवी पैनल बना के दिया जाएगा। आप देख सकते हो बन रहा है अभी, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको बना के दिया जाएगा। और ऊपर फॉल सीलिंग डिजाइन आप देखिए, ये भी काफी अच्छा है। और इस तरफ आते हैं तो सेम आपको नीचे जैसे बेडरूम में था, ड्रेसिंग एरिया आपको दिया जा रहा है विद मिरर, और ऊपर तक कैबिनेट्स बना के दिए जा रहे हैं कि स्टोरेज की कोई भी कमी ना हो। और स्लाइडिंग डोर वार्डरोब आपको दिया जा रहा है, आपको अपने कपड़े स्टोर करने हैं, कुछ भी स्टोर करना है, शूज, जो नीचे तक कैबिनेट्स बना के दिए जा, फुटवेयर तक आप स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। और जी इसके साथ जो अटैच वॉशरूम आप देखिए, जहाँ तक इसका जो अटैच वॉशरूम है तो काफी स्पेशियस है। वॉशरूम में जो टाइल्स लगाई गई है, फिटिंग भी आपको अच्छी करके दी जा रही है। और ये जो वॉशरूम है ना, जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ से ये है कॉमन वॉशरूम है, तो हम उस तरफ से आगे आपको दूसरे रूम भी दिखा देते हैं। तो हम यहाँ से इस रूम से निकलते हैं तो यहाँ से एग्जिट होती है हमारी बालकनी की तरफ। अब देखिए बालकनी काफी बड़ी है, यहाँ पर आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वेदर इंजॉय कर सकते हैं। और इसमें आपको टफन ग्लास की जो रेलिंग दी जा रही है स्टेनलेस स्टील के साथ, बहुत ही ज्यादा अच्छी बालकनी है। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, मेन रोड लगता है ना विला के बिल्कुल सामने, तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लुक बाहर से आ रहा है, रोड के बिल्कुल सामने आपको विला मिल रहा है। और इसमें आपको फॉल सीलिंग डिजाइन आप देखिए बालकनी के अंदर भी बहुत ही ज्यादा, और ये जो लाइटिंग है ना बाहर से बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, इवनिंग व्यू नाइट व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। और बालकनी आप देख सकते हैं वहां तक है, तो बालकनी भी बहुत अच्छी है। तो हम अंदर जाते हैं, आपको दूसरे बेडरूम भी दिखा देते हैं। तो हमने ये वाला रूम भी देख लिया, पूजा रूम देख लिया, बालकनी देख ली, तो हम इस बेडरूम में चलते हैं। वाओ, ये बेडरूम भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बड़ा है, और इसकी फॉल सीलिंग डिजाइन आप देखिए सबसे पहले बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और ये रूम इतना स्पेशियस है और यहाँ पर आपको वॉलपेपर बहुत ही ज्यादा प्यारा दिया जा रहा है, वॉलपेपर बहुत ही ज्यादा फ्लोरल सा है, बहुत ही मॉडर्न सा। और यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर वार्डरोब आप देख सकते हो, यहाँ भी आपको ऊपर से लेके फुल वॉल आपको जो है वार्डरोब एंड स्टोरेज जो कैबिनेट्स बना के दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अगेन विद मिरर आपको ड्रेसिंग एरिया दिया जा रहा है, बड़ा सा मिरर उसके साथ ड्रेसिंग एरिया। और इस तरफ आपको टीवी पैनल दिया जा रहा है, वो भी इसके कॉन्सेप्ट के साथ, इसके रूम के थीम के साथ बिल्कुल मैच करती है। और जहाँ पर आपको विंडो है, विंडो आप देखिए सनलाइट आ रही है, मैच विंडो भी है वेंटिलेशन के लिए, काफी अच्छा रूम है। और इसका अटैच वॉशरूम हम देख लेते हैं। इस विला में वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है, हर वॉशरूम बहुत ही आपको इक्वली स्पेशियस मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। और इस विला के अंदर आपको प्रीमियम क्वालिटी का काम भी देखने को मिलेगा, तो आप जल्दी जल्दी, मैं तो बहुत ही अभी से एक्साइटेड हूँ कि आप बस इस विला को अपना बना लीजिए। और इस रूम से निकलते हैं तो यहाँ पर आपको पेंट्री सेक्शन मिलता है कि यहाँ पर अपना पेंट्री रूम आप बना सकते हो, यहाँ पर आपको फैसिलिटी दी जा रही है। तो जहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर आ जाती है एक और बालकनी आपको मिलती है, और ऊपर जाने का रास्ता भी जो टॉप फ्लोर पे आपके टेरेस पे जाता है, यहाँ पर आपको स्टेयर्स दी जा रही है और यहाँ पर आपको वुडन जो है फ्लोरिंग मिलने वाली है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो हम यहाँ पर टॉप फ्लोर पे चलते हैं, टॉप फ्लोर पे आपको सर्वेंट रूम मिलने वाला है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो हम बिल्कुल टेरेस पे आ गए हैं, टेरेस सबसे पहले आप देखिए बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, टेरेस में बहुत ज्यादा जगह है, यहाँ पर आपको खेलना हो, टाइम स्पेंड करना हो, सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो हम टेरेस पे आए हैं, इस जगह पे आप देखिए बहुत ही ज्यादा वुडन कलर का जो वुडन जो कॉन्सेप्ट का काम किया जा रहा है, इस पर लाइटिंग ऐड करके दी जा रही है। और जहाँ से आते हैं तो एक और यहाँ पर सिटिंग एरिया बन सकता है, आप यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए बाहर का व्यू देखते देखते
आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है बाहर से। तो हम इस तरफ, मैंने जैसे बताया था कि टेरेस पे सर्वेंट रूम है, तो मैं आपको सर्वेंट रूम भी दिखाई देती हूँ। आ जाइए, तो ये डोर है सर्वेंट रूम का। यहाँ पर भी आपको डुअल डोर दिया जा रहा है सर्वेंट रूम के अंदर। और दोस्तों सर्वेंट रूम भी बहुत ज्यादा स्पेशियस है, इसमें आपको अटैच वॉशरूम भी दिया जाएगा। तो ये थी आज की प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बनी हुई है, मोहाली के 123 सेक्टर के अंदर, एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल पास में है। रोड के बिल्कुल सामने आपको ये विला मिलने वाला है। बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, लग्जरी है, मॉडर्न है। तो जल्दी जल्दी इस विला को आप अपना बना लीजिए हमारे मैंशन के लिए नंबर पर कॉल करके। और कॉल करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और आप शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को।